में घाटा ये हो रहा है कि जो महिला है वो 50% पे तो ओनली महिला ही रहेगी, लेकिन आगे ओरिजेंटल, फिर खेल कोटा, फिर जो विधवा है वो उस पर जाएगी, और उसके बाद में जो पुरुष वर्ग है उनके पास लगभग 10% के आसपास आरक्षण रहेगा, और उसमें जो वापस ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये सब आ जाएंगे तो जो उनके पास तो सिर्फ 1-1% जाएगा, 100 में से 1-1 सीटें बंदे को मिल रही है। और इसी कारण जो बिहार में हाल ही में हुए एग्जाम के अंदर जो 17वीं रैंक प्राप्त किया है वो बंदा पीछे रह रहा है, तो इससे आप सोच सकते हो कितना घाटा हो रहा है। अच्छा, तो युवा जो है वो लगातार पिछले काफी लंबे समय से रीट की जो भर्ती है वो नहीं आई है, अब आई है, तो इस प्रकार से तो आदेश जो आया है अभी तक कहाँ आई? नहीं, जो बताया गया है कि महिलाओं के लिए रीट में जो है, इसके अलावा और भी कोई वैकेंसी है उसमें भी यही आदेश जारी हुआ है या केवल रीट में ही? और हुआ है, पुलिस के अंदर जो 30% वहाँ पर 33% की है, लेकिन जो हाल ही में एग्जाम हुए उनके अंदर मात्र महिलाएं 10% पर ही सिलेक्टेड हुई है, तो उनके 20% कोटा वो खाली पड़ा है और 3% और बैठा दिया, इसकी वजह से उनके 23% वो खाली पड़े, तो पहले उनके जो खाली है उनको भरो ना, 30% पे महिलाएं आ ही नहीं रही हैं तो फिर उनको 33 क्यों दे रहे हो? अच्छा, तो मतलब आपको ये लगता है कि भाई 30 से 50 कर लिया गया, यदि महिलाएं नहीं आई तो उनको पुरुषों को ये जो कोटा है वो नहीं मिलेगा? हाँ, वो उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ उनमें महिला ही रहेगी। मेरा नाम राकेश मुकर, मैं बाईतू से हूँ। हम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए इसलिए गए थे क्योंकि हमारी रीट लेवल जो भर्ती है उसमें रीट लेवल फर्स्ट में सरकार ने अभी हाल ही में 50% आरक्षण कर दिया है, जो सख्त युवाओं के लिए खिलाफ। सबसे ज्यादा अखबारों के हेडलाइन क्या होती है कि युवा बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, युवाओं ने ऐसे कर दिया ऐसे, तो फिर युवा जाएगा कहाँ? जब युवाओं का हक सीना ही जा रहा है हर भर्ती में, पहले अग्निवीर में सीन लिया, अब यहाँ पर रीट में सीन लिया, अब हमारे पास तो कुछ बचा नहीं, 50% महिलाओं को कर दिया आरक्षित, उसके बावजूद बाकी का 50% युवाओं के लिए नहीं है। उसके अंदर भी वो भूतपूर्व सैनिक है, विकलांग, विधवा महिलाओं को दिया गया आरक्षण, खेल कोटा, वो सभी उसमें, उसके बावजूद हमारे पास फिर क्या बचता है? 10% या 15% नौकरी हमारे पास बच रही है, फिर हम कहाँ जाएंगे? जबकि हम लाखों की तादाद में युवा लड़के तैयारी कर रहे हैं, लड़कियों की रेस में लड़कियाँ ज़्यादा नहीं है इतनी, फिर भी हाँ उनको 30% था तो हमें कोई इंतराज नहीं था, हमने कभी विरोध नहीं किया उसका, उनके लिए वो ठीक था, फिर अब बढ़ा, सरकार बढ़ाती जा रही, फिर हमारा हक सीना जा रहा, हम किधर जाएंगे? सरकार ने जो 50% किया उसमें अब आप क्या संशोधन चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सरकार यहाँ तो पहले वाला 30% रखे, ये जो आरक्षण दिया ये वापस ले, नहीं तो अगर 50% महिलाओं को दे तो फिर 50% में सारी महिलाओं को सीमित करे, उनमें लड़कों की भागीदारी वैसे भी नहीं होगी क्योंकि लड़कियों को दे दिया गया, बाकी के 50% पूरे लड़कों को दिया जाए जिसमें महिलाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, भले वो विधवा कोटे की हो, भले कोटे वाला, वो तो 50% में ही तो है, इसमें अलग से थोड़ी दे रहे हैं, अलग से दे रहे हैं, वो हमारे 50% में आ रही है, उनकी वो आरक्षित हो गई है सीटें 50%, उसके बावजूद हमारे वो बाकी का 50% हमारा रहा ही नहीं है, उसमें भी हक सीना जा रहा है, इसीलिए तो हम आवाज उठा रहे हैं, आज कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया है, हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तो हम दिल्ली जाएंगे, यहाँ जयपुर जाएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया आज, यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम जयपुर जाएंगे।